आइए आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां एसपी सिटी जाहिदा परवीन पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। प्रेस ब्रीफिंग है ये। हमने जो मोटरसाइकिल स्नैचिंग और थेफ्ट के हवाले से जो गैंग ट्रेस किए हैं, ये हमारी जो काविश है, मिली जुली काविश, जिसमें मैं आपको टीम मेम्बरान की जो SSP साहब ने एक टीम तश्कील दी थी इस हवाले से, जो स्पेशली मोटरसाइकिल स्नैचिंग और थेफ्ट के हवाले से जो गैंग को ट्रेस करने का जो जिम्मा दिया था वो एक टीम के सूरत में दिया था। तो ये जो टीम थी, इसमें हमारे मतलब 2-3 महीने की मेहनत है, जब से ये वारदातें हैदराबाद शहर में स्टार्ट हुई हैं ऑलमोस्ट दिसंबर से, और नवंबर के एंड और दिसंबर के स्टार्ट, इससे जो वारदात स्टार्ट हुई हैं स्पेशली सिटी एरियाज़ में, तो उस हवाले से SSP साहब ने एक टीम तश्कील दी जिस मेरी सुपरविजन में, जिसमें SHO मार्केट, SHO पुलेली, SHO पिनियारी और SHO पब्बन, ये टीम मेम्बर्स थे और हम लोगों की मेरी सुपरविजन में। आइए आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां SP सिटी जाहिदा परवीन पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। प्रेस ब्रीफिंग है ये। हमने जो आइए आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां SP सिटी जाहिदा परवीन पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। प्रेस ब्रीफिंग है ये। हमने जो मोटरसाइकिल स्नैचिंग और थेफ्ट के हवाले से जो गैंग ट्रेस किए हैं, ये हमारी जो काविश है, मिली जुली काविश, जिसमें मैं आपको टीम मेम्बरान की जो SSP साहब ने एक टीम तश्कील दी थी इस हवाले से, जो स्पेशली मोटरसाइकिल स्नैचिंग और थेफ्ट के हवाले से जो गैंग को ट्रेस करने का जो जिम्मा दिया था वो एक टीम के सूरत में दिया था। तो ये जो टीम थी, इसमें हमारे मतलब 2-3 महीने की मेहनत है, जब से ये वारदातें हैदराबाद शहर में स्टार्ट हुई हैं ऑलमोस्ट दिसंबर से, और नवंबर के एंड और दिसंबर के स्टार्ट, इससे जो वारदात स्टार्ट हुई हैं स्पेशली सिटी एरियाज़ में, तो उस हवाले से SSP साहब ने एक टीम तश्कील दी जिस मेरी सुपरविजन में, जिसमें SHO मार्केट, SHO पुलेली, SHO पिनियारी और SHO पब्बन, ये टीम मेंबर्स थे और हम लोगों की मेरी सुपरविजन में एक मिली जुली काविश थी कि हमने मेन जो ये गैंग्स जो बेसिकली सिटी एरिया में ही स्नैचिंग की और थेफ्ट की वारदात करते थे, सरगा की वारदात करते थे, तो इस पे हमने वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी पाई और मोर देन 20 बाइक्स जो हैं इसी गैंग से हमने रिकवर करवाई। अब ये जो गैंग मेंबर्स का मैं सबसे पहले हवाला देती चलूँ कि ये जो गैंग थे वो किस शहर से थे, कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, तो इसमें कुछ जो थे लोग वो ऑफकोर्स हैदराबाद शहर के भी हैं, लेकिन आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जो है इनके जो हैं फैसिलिटेटर्स और इनके जो मेंबर्स हैं, या जो ये चोरी का एक काम करता था, फिर माल चोरी शुदा माल बिकवाने का दूसरे गैंग काम करता था, और इसी तरह जो दूसरे लोग थे बिकवाने में, चोरी शुदा माल को बिकवाने में, चोरी करने में मुख्तलिफ लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। तो हमने हर एंगल से इस पे काम किया है और अभी तक जो इसमें चोरी शुदा माल जो आगे लोगों को तक पहुँचाते थे या मार्केट्स में देते थे, सेलर्स को देते थे, उस तक हमारा भी काम जारी है। हमने जो मेन चोरी ये जो स्नैचिंग करता था, जो प्लान बनाता था, जो मेन इनका फैसिलिटेटर था, उस तक हम पहुँच गए। तो इसमें मैं आपको एक कड़ी है, पूरी एक लिंक है, वो मैं आपको वाजे करते चलूँ कि सबसे पहले जो इसमें हेड कर रहा है नूर मोहम्मद थईम, जो आपको पहले भी पता होगा कि PS मार्केट में ये 5 KG चर्स में चलान हुआ है, FIR नंबर 17/2018। अब जब हमने नूर मोहम्मद थईम को रेड करके और इससे रेड की इन्फॉर्मेशन थी कि मे बी ये इन्वॉल्व है, एक सस्पेक्ट था, मेन सस्पेक्ट था, क्योंकि इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था पहले भी ये मोटरसाइकिल स्नैचिंग में ही चलान था, तो जब हमें ये इसको हमने इसके घर पे रेड की और PS मार्केट के हाथ में ही हमने रेड की, तो इससे जो है हमें चर्स बरामद हुआ, तो हमने इसके FIR 5 KG चर्स में इसको चलान किया PS मार्केट से। अब ड्यूरिंग इंटेरोगेशन नूर मोहम्मद थईम, क्योंकि एक पहले भी इसकी मोटरसाइकिल स्नैचिंग के हवाले से इसकी हिस्ट्री है, क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो उस हवाले से जब इसकी इंटेरोगेशन की हमारी टीम ने, तो उस इंटेरोगेशन में हमें मुख्तलिफ जो है नाम पता चले और इस तरह जो ये लिंक था, ये जो कड़ी थी, वो अनफोल्ड होती रही। और जो दूसरा नाम हमें इसी इंटेरोगेशन के दौरान पता चला वो था अली रज़ा कोराई। अली रज़ा कोराई जो था वो बेसिकली सिटी एरिया से बाइक्स की चोरी करने का जो हमें इंकशाफ हुआ इंटेरोगेशन के दौरान नूर मोहम्मद से, कि चोरी जो है वो अली रज़ा कोराई का जो है वो काम है, वो टीम है इसकी। तो जब हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, रेकी की और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ रेड्स की, और जब ये फुलेली की जुरिसडिक्शन में हमने अली रज़ा कोराई को ट्रेस किया और रेड किया और इसको अरेस्ट किया, तो इससे भी हमें 2 KG एंड 15 ग्राम चर्स बरामद हुआ, जिसकी FIR जो है PS फुलेली पे दर्ज हुई है।
और इसका भी जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अब अली रज़ा कुराई से भी, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद यही था कि हम मोटरसाइकिल का एक जो गैंग है वो जो ट्रेस आउट करें, तो अली रज़ा कुराई जो है उसने पूरा जो है वो गैंग को कि कौन लोग, क्योंकि मेन चोर यही है जो मेन चोरी करता था, वारदात करता था। अब इसने हमें मुख्तलिफ नाम बताए जिसमें बाइक्स को चोरी करके जो है बाइक्स का चोरी शुदा माल का बिकवाना, इनको फैसिलिटेट करना, इनको जो है प्लान करना कि कहाँ किस जगह में बाइक है, उसको किस तरह मोडस ऑपरेंडाए बताना, तो वो अली रज़ा कुराई का काम था। अब अली रज़ा कुराई की मार्फत हम पहुँचे, जो तीसरा इसमें नाम है शब्बीर थहीम को भी हमने इसी कड़ी में पीएस फुलेली की जुरिसडिक्शन में ट्रेस किया और उसको जो है हमने ये कंप्लेनेंट है इसमें, कंप्लेनेंट कह रहा है ना मैं, हैदर रिजवी जो है इसमें कंप्लेनेंट है और इस एफआईआर 18/2018 में मोटरसाइकिल चोरी के, क्योंकि इसके घर जब हमने रेड की तो ये मोटरसाइकिल एक्सप्रेस 1036 रिकवर हुई और उसके बाद इसकी इंटेरोगेशन में हमें डंपिंग एरियाज़ कि कहाँ ये जो तमाम आपको बाइक्स नज़र आ रही हैं ये कहाँ चोरी करके, कौन सा एक डंपिंग पॉइंट उन्होंने एरिया बनाया हुआ था जिस पे ये बाइक्स को जमा करते थे और उस एरिया से ये बाइक्स को आगे सेल आउट करके पर्पस में या 2,000, 3,000, 5,000 में सेल आउट करना या जो मुख्तलिफ इनके प्राइसेस हैं उस हिसाब से ये सेल आउट करते थे। तो वो शब्बीर थहीम ने डंपिंग एरिया जो शेख बिरकियो टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट में, इसने हमें डंपिंग एरिया बताई और इसकी इन्फॉर्मेशन में हमारी अपनी टीम जो है वो एक्टिव हुई और हमारी टीम जो है वो आउट ऑफ द वे जाके डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान में हमने रेड्स किए और अल्हम्दुलिल्लाह उस रेड के हमारी इतनी सक्सेसफुल कामयाबी हुई कि उस एरिया तक हम पहुंच के ये जो हमें, जब हमारी टीम गई वहाँ पे तो मोटर बाइक्स हमें मिली हैं जो आपके सामने हैं और जो मेन इसमें लोग थे कि कौन ये आगे पहुंचवा रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमें उस वक्त मौके पे नहीं मिले, वो भाग चुके थे, लेकिन हमें बाइक्स जो रिकवर हुई हैं वो जो भी मुख्तलिफ सिटी एरिया से, हैदराबाद की सिटी एरिया से ये सरका हुई हैं वो बाइक्स हमें रिकवर हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत सक्सेसफुल एक ऑपरेशन था और हमारी मिली जुली काविश थी कि हमने ये मेजर जो गैंग है उसको ट्रेस किया।